वहीं हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए घरों के खिलाफ वन विभाग और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रखा है। बता दें कि जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 8 निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि गोला पार्क क्षेत्र के बागजाला क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण कर यहां भवन बनाए जा रहे थे, जिसको लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन यहां अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के मूड में नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो निर्माणाधीन मकान थे और वन विभाग द्वारा जिनको रोका गया था और इनके द्वारा फिर भी निर्माण किया गया, ऐसे मकानों को आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इन मकानों की कुल संख्या 8 है और इसमें लगभग 1.25 हेक्टेयर के करीब एरिया जो है वो खाली कराया गया। देखिए, इसमें वन विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है और वन विभाग द्वारा ये अवगत कराया गया है कि इन व्यक्तियों को यहाँ पर निर्माण करने से रोका गया था और उसके रेंज की टीम के द्वारा जो 8 जो चिन्हित मकान का खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जा रही है, इसमें प्रशासन का सहयोग है और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें जो नए चिन्हितकरण जो नए मकान बना रहे थे, नए रूप में अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, केवल उन्हीं लोग 8 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। मकान तो बहुत ही पुराने दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, रेंज की पहले क्यों नहीं रोका जाता है इनको, इसके संबंध में तो आपको उच्च अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन जो अभी फिलहाल जो जैसे उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त है हमको कि जो नए चिन्हित किए गए हैं मकान, उनको डिमोलिश करने की, आज वही कार्रवाई की।